हेलो स्टूडेंट महात्मा ज्योति वफुल रोहलखंड यूनिवर्सिटी के सभी एम कॉम प्रीवियस ईयर के छात्र छात्राओं को इस वीडियो के द्वारा मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए आपका जो सिलेबस है वो नौ no यूनिट में कवरअप होना है और हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए आपके पास भरपूर समय है अपनी तैयारी करने का यदि आपने अभी तक अपने तैयारी के लिए किसी भी प्रकार से कहीं माध्यम नहीं चूज़ किया है तो आप एक बार हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर आपको प्रत्येक विषय का बहुत ही सरल भाषा में अपडेट और अच्छा वर्जन मिल सकता है ये पहला क्वेश्चन पेपर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जिसका पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रबंध विचारधारा के विकास को संक्षिप्त परिचय दीजिए गिव और डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स एंड पॉइंट आउट केसेस ऑफ इट्स स्लो डेवलपमेंट दूसरा क्वेश्चन है संगठनिक व्यवहार के विभिन्न मॉडलों के बारे में बताइए एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक प्रबंध क्या है एफ डब्ल्यू टेलर की भूमिका का योगदान इसमें बताना है आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है एफ डब्ल्यू टेलर का जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या रोल है उसको आपको बताना है भारार्पण से आप क्या समझते हैं इसके प्रमुख तत्व क्या हैं और भारार्पण के प्रमुख तत्वों को बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन व्हाट इज इट्स एलिमेंट डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन मैग्रेकर का एक्स वाई सिद्धांत क्या है और ई विचारधारा इक्विटी विचारधारा पर आपको टिप्पणी ये थोड़ा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इसके सिलेबस की तो पहला यूनिट है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थाट जिसमें साइंटिफिक प्रोसेस ह्यूमन बिहेवियर सोशल सिस्टम स्कूल डिसीजन थ्योरी स्कूल कॉन्टिटिव एंड सिस्टम स्कूल कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ए मैनेजर दूसरा है मैनेजरल फंक्शन का जिसमें आपको प्लानिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल थियोरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑथोर्टी रेस्पॉसिबिलिटी पावर डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नेचर प्रोसेस एंड टेक्निक पढ़नी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अगर हम बात करेंगे तो कंसेप्ट सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इमरजेंस एंड एथिकल परस्पेक्टिव एटीट्यूड्स परसेप्शन लर्निंग ये सब आपको पढ़ना है फोर्थ नंबर की जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें एक्स वाई का जो मैक का जो सिद्धांत है वो आता ही आता है अल्ड्रेफर की ई आर थ्योरी हो गई मैकलैंड लर्नड नीड थ्योरी विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टारसी एडम्स इक्विटी थ्योरी इन थ्योरी में से एक थ्योरी आपको अच्छे से आ जानी चाहिए पांचवा यूनिट है ग्रुप डायनामिक्स एंड डेवलपमेंट का जिसमें डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ग्रुप फॉर्मेशन टीम डेवलपमेंट सिक्स नंबर पर है लीडरशिप जिसमें से क्वेश्चन बन जाता है जिसमें एक लिकल्ट का जो फोर सिस्टम ऑफ लीडरशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाल वाल सिचुएशनल थ्योरी मैनेजर ग्रिड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट जिसमें डाइनमिक्स एंड मैनेजमेंट सोर्सेज पैटर्नस लेवल एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं अब लास्ट में हम बात करते हैं जैसे और आपके कम्युनिकेशन वाले टॉपिक से तो यहाँ से भी कम्युनिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर कुछ और आ ही जाता है एग्जाम में नवा जो यूनिट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसमें कॉन्सेप्ट नीड फॉर चेंज रजिस्टेंस टू चेंज थ्योरीज ऑफ प्लांट चेंज ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस ऑडी इंटरवेंशन ये सब इंपॉर्टेंट रहती है, बने रहे हैं बने रहिए है हमारे चैनल के साथ और देखते रहेगा कॉमर्सी दुनिया थैंक यू सो मच